सर जी कहाँ जाना हुआ आपको? जाना तो इधर से अपना जैसे पूरी राजस्थान से अपने घूमते फिर 300 से भी अधिक घुमंतू जातियाँ भारत में पाए जाते हैं। ये सालों से, वर्षों से और कई सैकड़ों सालों से घूम रहे हैं। पहले बैलगाड़ी में घूमते थे, आजकल आधुनिक गाड़ियों में घूमते हैं, पर ये घूम घूम कर अपना जीवन यापन करते हैं। गाड़ी वैद्य के रूप में उन्हें लोग जानते हैं। इस घुमंतू जाति को जड़ी बूटियों की अच्छी जानकारी है, लेकिन आज इनका जीवन अंधकार में है, क्योंकि ये इस युग में अपने लिए दो वक्त की रोटी भी नहीं कमा पा रहे हैं और ना ही अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूँ भारत योगी। IMNB न्यूज के लिए मैं आपको घुमंतू परिवारों से मिलाता आया हूँ। आज हम ऐसे ही एक घुमंतू परिवार से मिल रहे हैं। शायद आप हमेशा सड़कों के किनारे वैद्यराजों को देखते होंगे, जो बड़ी से बड़ी बीमारी की दवाएं देते हैं, और उनके पास एक फ़ोटो का एल्बम भी होता है जिसमें बड़े बड़े मशहूर हस्ती उनके साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो ये आप हमेशा देखें, पगड़ीधारी, कुर्ता पहने हुए, कान में बाली, मोटी मोटी मूछें, दाढ़ी वाले ये वैद्यराज जो आते हैं, ये कहीं ना कहीं राजस्थानी गुजराती परिवेश में भी रहते हैं, पर ये घुमंतू लोग हैं। ये जहाँ जाते हैं अपना वैद्यराज का काम चलाते हैं, सड़कों के किनारे ये अपना एक शिविर लगाते हैं और लोगों को दवाई देते हैं। ज़माना बदल गया, समय बदल गया, लेकिन नहीं बदली तो इनकी व्यवस्थाएं नहीं बदली। इस व्यवस्था में ये कैसे जीते हैं, कैसे जी रहे हैं, किस तकलीफ़ में जी रहे हैं, ये अब हम इनसे बात करने जा रहे हैं। मुरत जी, कहाँ से आना हुआ आपका? आना तो इधर से अपना जैसे वही राजस्थान से अपने घूमते फिरते, अपने जैसे बाल बच्चों को लेकर 10 दिन यहाँ रहना, एक महीना वहाँ रहना, वही अपना जड़ी बूटियों का धंधा करते हुए अपने जैसे पेट पालते चल रहे, घूम रहे फिर रहे। ज़माना बदल गया है, आपको नहीं लगता आपके बच्चे पढ़े लिखे और आगे बढ़े? आप उसके लिए कुछ साधन मिलेगा, कुछ रहने का स्थान मिलेगा तो ज़रूर पढ़ाने का हम भी जैसे कोशिश कर रहे हैं। आप कहाँ तक पढ़े हैं? कुछ नहीं। तो ये वैद्यराज के जो आप काम करते हैं तो ये कैसे कर लेते हैं आप? ये तो अपने ज्ञान से, पीढ़ी हमारी बाप दादा जो गुजरते आ रहे हैं, आप जो हल चलाने वाला बेटा हल ही चलाएगा, तो ये वही जैसे है पिता का काम अपने सीखते सीखते हमने सीख लिया, ये भी एक पढ़ाई जैसा है। तो ये शादी ब्याह और बाकी चीज़ों के लिए आप लोग कैसा करते हैं? जब आप घूमते रहते हैं तो ये आप लोग का समाज आपस में टकराता कैसे? जहाँ दो संगम हो जाता है वहीं पर अपना शादी विवाह हो जाता है, कोई स्थान तो है नहीं एक जगह रुकने का, जहाँ मिल गए वहीं शादी हो गया। अब सरकार लोग हमको भी, हमारे तरफ भी कोई ध्यान रखेंगे, हमको भी देंगे तो हम लोग भी रुक जाएंगे। तो इसके लिए कोई प्रयास हो रहा है, कोई ऐसा कोई घुमंतू आयोग भी बना हुआ है? घुमंतू आयोग के बारे में आपको जानकारी है? घुमंतू आयोग बना है, जितने घूमने वाले समाज हैं, बंजारा हैं, बंजर हैं, कंजर हैं, इन सबको लेके एक सरकार को व्यवस्था बनाने जा रही है इनके बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो हम तो जैसे है ना मरकान लोग हैं जी, गरीब लोग हैं। आप लोग गोड़ आदिवासी में आते हैं? हाँ हाँ, गोड़ वही यार आदिवासी में आपने। तो आपको जाति सर्टिफिकेट बना क्या? जाति प्रमाण पत्र वगैरह बना है? वही तो नहीं बना है ना। नहीं बन रहा है? एक जगह रहेंगे तभी तो बनेगा। आप सरकार से क्या चाहते हैं? क्योंकि आपको स्थायी व्यक्ति नहीं है, पर एक वो जो सरकार बनती है, केंद्र की जो सरकार है वो आपके लिए है, क्योंकि आप हर राज्य में जाते हो, तो ये आपके लिए एक ही सरकार है, लेकिन राज्यों की सरकार से तब कुछ लाभ नहीं पाएगी क्योंकि आप घूमते रहते हैं। तो केंद्र सरकार आप लोगों के लिए क्या व्यवस्था करे? जैसे आज आप लोग यहाँ पे एक जंगल में, खेत में अपना डेरा डालते हैं, आप लोगों के साथ छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। हम लोग जैसे है जहाँ, जैसे हमारे लोग बसे हुए हैं थोड़ा बहुत ज़मीन लेकर, वहीं हमको जैसे बैठा देंगे कहीं ज़मीन में तो हम भी बैठ जाएंगे। आपका पूरा नाम बता दीजिए। हमारा नाम जैसे है ना मूरत मरकान जी। आधार कार्ड बन गया आपका? आधार कार्ड दिखाइए। आधार कार्ड, ये आधार कार्ड आपका बन गया है? हाँ। बहुत बढ़िया, सब आपके समाज के सारे लोगों का बन गया, जो भी घूमने वाले लोग हैं? हाँ, सब लोगों का बन गया सर। चलिए, इसका लाभ मिल रहा है आप लोग जाते आते हैं कहीं तो? हाँ, वहाँ जाते हैं ना, हमेशा जाते रहते हैं। पुलिस को दिखाने का काम आता है। आप यहाँ से कहाँ जाएंगे? अभी तो देखो महीना, डेढ़ महीना, दो महीने यहीं रुकेंगे जी, फिर अपना जब तक धंधा चलेगा जब तक रुकेंगे, फिर अपना आगे कहाँ वापस गाँव लौटोगे कि और आगे जाओगे? नहीं, अपने गाँव लौटेंगे बरसात के ऊपर। बरसात में गाँव लौटेंगे भाई, एक महीना दो महीना बरसात बचा हुआ है। हाँ जी जी। और कितने लोग आए आपके साथ? दो गाड़ियाँ दिख रही है आपकी। हाँ, और गाड़ी जैसे हमने हीरागंज में है जी जी। हाँ, तो ये आप लोग पूरा एक कुनबा बना के निकलते क्या, 10-15 लोगों का? बात हुई 5-6 गाड़ी जैसे। और रास्ते में कोई दिक्कत होती तो कैसा करते हैं आप लोग? कोई दिक्कत नहीं होती, कौन चीज़ है,
कोई भी ऐसा दिक्कत हो तो आपस में एकजुट हो जाती है इधर उधर? नहीं, सब मिल जाते, सब मिल जाते हैं। और खाना वाना बनाने के लिए राशन लेके चलते हैं आप लोग? राशन जैसे कि 2 किलो 3 किलो मंगा लिया, बस वही बना खाया, फिर सुबह अपना खरीदा जी। हाँ, अभी आधुनिक युग में बड़े बड़े डॉक्टर हो गए, बड़े बड़े अस्पताल हो गए हैं, तो उसके बाद क्या आप लोग पास कोई आता है? आप लोग पास लगता है कि आप लोग इलाज कराने लोग आते होंगे? यही इसीलिए तो हमारा जैसा है ना धंधा डाउन हो गया, इसीलिए घूमना फिरना हमको भी अब बेकार लग रहा है, क्योंकि उतना तो पेट्रोल जल जाता है, डीजल जल जाता है, जितना आपको कोई दवाई नहीं होगा, धंधा ही नहीं हो रहा है ना। अब सब डॉक्टर जल्दी के पास, अब जैसे है ना हमारा दवाई थोड़ा काम लेट से करता है, डॉक्टरी दवा थोड़ा जल्दी काम करता है, तो वो जल्दी के पास भागते हैं, और इस पर विश्वास भी कम हो गया जड़ी बूटी। तो ये तो आप लोगों की पीढ़ी हो गई, ठीक है, आपने भी अपना पूरा उम्र जी लिया है, आने वाली पीढ़ी बच्चों के पास क्या होगा रोजगार के लिए, क्या साधन हो सकते हैं, क्या करेंगे? वही हम सोच रहे हैं कि कहीं जमीन अमीन कुछ थोड़ा बहुत मिल जाए, बैठ जाएंगे तो वही अपना जैसे बकरी वकरी अपना जो भी है पाल खाएंगे, वही अपना बैठे रहेंगे, बच्चन को पढ़ाएंगे। क्योंकि जमाना बदल रहा है और सारी जमाने में आप लोगों की जरूरत महसूस नहीं होगी। हाँ, बस बस, चलिए, धन्यवाद।